रहेगा। विलय की बात पर, विलय के जवाब पर उनका साफ तौर पर कहना है कि पीओके की जनता भारत में खुद आएगी और भारत में विलय की मांग करेगी। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जी राजनाथ जी, जी। क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है, क्यों ना डालें? क्यों इसलिए कोई कुछ करना चाहे तो उसको उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा, इसको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब? आप बिल्कुल आराम से रहिए, पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ राशन के लिए मार नहीं होती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कामना है कि वो भी धनवान हो और ठीक बने। लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार माहौल गर्म दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से मौसम भी गर्म हो चुका है। हमारी मौजूदगी शिवपुरी में है जो कि संसदीय क्षेत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। अब उनकी यहाँ कितनी चलने वाली है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या सिंधिया की चलेगी या नहीं चलेगी। कि क्या चाचा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है कि महाराज जी की चल पाएगी इस बार या नहीं चलेगी, क्या लग रहा है? महाराज जी तो जीतेगी। क्या वजह? बड़ी अच्छी मुस्कान आपके चेहरे पर है, क्या वजह देख रहे हैं? वजह जी है कि मोदी जी की लहर है। अच्छा, तो मतलब मोदी जी की लहर की वजह से जीतेंगे या काम किया है इसलिए जीतेंगे? काम भी किया है कुछ काम। आप चूंकि बुजुर्ग हैं, कई साल आपने वोट किया होगा, कुछ काम है ध्यान में कि क्या बदल गया आपके इलाके में? बदल गया है हमारे इलाके में, सब कुछ बदल गया, सड़कें वगैरह सब कुछ। सब कुछ हाँ, काम के दम पे लग रहा है। काम के दम पर। ठीक है, चाचा हमारे साथ है। चाचा क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके इलाके में? मतलब सिंधिया साहब, सब लोग कह रहे हैं महाराज जी मदद करते हैं, मिलते हैं, आपको क्या लग रहा है? करते हैं वो तो ठीक है, वो अच्छा है। कौन जीतेगा कुछ बताएंगे? अब जे तो चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा क्या। अच्छा, मन में या दिमाग में क्या है आपके? महंगाई क्यों है, सबसे बड़ी बात तो समस्या ये है, गरीबों की महंगाई है। महंगाई बेचारे बेरोजगार हैं, जो भी वो गरीब लोग हैं, आदिवासी वगैरह, यह तो परेशान है हर चीज से। इससे परेशानी कुछ, लेकिन जैसे आप भी वोट करने जाएंगे तो मन में जहन में क्या है कि इन मुद्दों को लेकर मैं वोट करूंगा इस बार? वोट तो देना ही पड़ेगा किसी को, देना तो है, एक वोट से का फर्क पड़ना है भाई, वो सबका। ये इलाके में कुछ विकास देखते हैं आप, क्योंकि आप भी बुजुर्ग हैं, कई सत्ता आपने देखी होगी और ये राज परिवार का ही गढ़ माना जाता रहा है, कुछ परिवर्तन आपने महसूस किया? आप ये कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बदलाव देखा है आपने कि नहीं, कि मतलब काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? काम हो रहा है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, काम तो हो रहा है। काम हो रहा है, आप बताइएगा क्या लग रहा है, क्या माहौल? अच्छा लग रहा है, वो सब हो रहा है, बड़ी सबका बढ़िया हो रहा है, सबको भोलेनाथ की कृपा सबको हो रही है। महाराज जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे महाराज, जीतेंगे। क्या वजह देख रहे हैं? जी सब अच्छा हो रहा है, आज हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, भगवान ने सब अच्छा कराया, सबको पैसे दे ले, सबको मिल रहे हैं, गरीब जनता को भी बहुत फायदा हो रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इधर भी चाचा कितने साल के हैं? मैं 80 साल के। 80 साल में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, अपने इस इलाके में भी बड़े परिवर्तन देखे होंगे, क्या माहौल है आपके साथ से 2024 में? यहाँ सिंधिया जीतेंगे कम से कम 4 लाख सजे। 4 लाख पिछली बार तो हार गए थे, लेकिन हार गए थे वो मोदी की लहर थी और उनके लोगों की गलती थी कुछ। तो आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आपने 80 साल चूंकि आपको हो चुके हैं, क्या परिवर्तन आपने अभी तक महसूस किया? नहीं, सिंध के कई पुल बनवाए उन्होंने, रोड डरवाई है, सब काम किए उन्होंने। तो मोदी जी की लहर है या विकास कार्य हो रहा है? विकास कार्य भी है और मोदी की लहर भी है, दोनों चीज। क्या लग रहा है सर, मतलब चलेगी, किसकी चल पाई? महाराज जी जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। लोगों को क्या है, पहले महाराज को एक बार हो गया है, धोखा दे दी, मतलब उनकी लोगों की गलतियों जो है वो भी महाराज की गलती से नहीं आ रहे। महाराज
इस बार महाराज अच्छे बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने पूरे विकास कार्य किए, आज रोड देख लीजिए, हाईवे यहाँ से निकल जाता महाराज नहीं होता तो क्या स्थिति होती बाजार की। बाईपास निकाला उन्होंने, सब जगह पुल मुल और भी काम है सब महाराज के द्वारा। आज कहीं भी कोई किसी को जरूरत पड़ती है तो महाराज यहाँ जाते हैं, तो कभी भी महाराज के यहाँ उनके काम हो जाते हैं। तो महाराज को लोग पसंद, मोदी की लहर तो है ही, लेकिन यहाँ पे महाराज निश्चित जीतेंगे। मोदी लहर ना भी होती तो भी महाराज जीतते। अच्छा ठीक है, इधर आप लोग भी आएगा, एक बात है, आप बिल्कुल बात करेंगे। आप प्रधानमंत्री जो है वो इस समय आप देख रहे हैं रैलियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब आपके घर में घुस के आपकी तिजोरी में जो आपने पैसा बचा के रखा है कांग्रेस उसको छीनना चाहती है, इसको लेके क्या? नहीं कुछ, कोई छीनने वाला नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि मतलब वो इस तरीके की कुछ? नहीं नहीं, जो सब दूसरी पार्टी वाले करते हैं ऐसा कोई बात नहीं। क्या आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है आपके इलाके? कुछ यही माहौल है, और क्या हो तो सिंधिया जी जीतेंगे, विकास के नाम पे जीतेंगे। हाँ, विकास के नाम पे भी जीतेंगे, और उनके वो स्वयं भी करते हैं और सरकार की योजना है उनका भी लाभ दे रहे हैं वो। अच्छा। तो बहुत बहुत बहुमत से जीतेंगे। तो इधर और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। आप लोग आइएगा, आप लोग को क्या लग रहा है? इधर आइएगा ऐसे कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आपके इलाके से? हमको पानी लग रहा है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या। चुनाव में कौन जीतेगा, क्या कुछ लग रहा है कौन जीतेगा? हमको तो अभी तो कुछ नहीं लग रहा हम तो। अच्छा, और चलिए आप कुछ बता पाएंगे चुनावी माहौल अगर पूछें आपसे? मोदी जी जीतेंगे, मोदी।